बाप रे बाप, बहुत ही आर्थिक मंदी आ गया है। पैसा रुपया है नहीं, पता नहीं व्यूवर्स लोग कैसे रिचार्ज करा रहे होंगे मोबाइल का, पता नहीं क्या हो गया है। एकाध गो व्यूवर्स आपके आसपास में कुछ बेरोजगार लोग हो गए होंगे तो थोड़ा मुलाकात करवाइए, उनसे बात करवाइए मेरी, थोड़ी सी वीडियो में और क्रेडिबिलिटी लाते हैं। 1 मिनट, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, पहले वीडियो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, इस देश के लंपट वामपंथी कामपंथी पत्रकारों का एकमात्र एजेंडा होता है, आगे के 1 साल की ये प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या पत्रकारिता करनी है और कैसी पत्रकारिता चलानी है। ये लंपट पत्रकार अब एक नया शिगुफा लेके आए हैं कि भारत में जो है बहुत भयानक आर्थिक मंदी आ गया, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये बात और है कि अभी तक एनडीटीवी के दफ्तर में लगातार भर्तियां जारी है, कोई निकाला नहीं गया है। उल्टा जी न्यूज से एक बंदा रेजिग्नेशन दे गया है, जॉब ऑफर था उसके पास पहले से ही। तो आर्थिक मंदी कम से कम मीडिया सेक्टर में नहीं आई है। खैर, जो आर्थिक मंदी की बात कर रहे हैं, पार्ले जी से 10,000 लोगों को निकाले जाने वाला, उसमें एक ये वाला सीन देख लीजिए। जीएसटी के बाद है, पिछले साल तक 21% प्रॉफिट पे था। ये कंपनियों का शुरू से ही प्रोपोगेंडा रहा है कि जब ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो अगली बार लॉस में दिखाना पड़ता है। रही बात पार्ले जी को बचाने की, तो आप खुद पार्ले जी नहीं खाएंगे तो कहां से बचेगा? आप तो ब्रिटेनिया वाला भी खा रहे हैं, आप जो है अलग अलग बिस्किट्स आ गई है मार्केट में वो भी खा रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी एक धुआंधार चीज देख लीजिए, टाटा प्रॉफिट में है, हुंडई प्रॉफिट में। रह गए कांग्रेस प्रोपोगेंडा का मारुति सुजुकी, वो भी पिछले साल के मुकाबले कम प्रॉफिट में है, 2014 के मुकाबले प्रॉफिट में है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन वाला ये जो तहस नहस, इन सब का मैं लिंक दे देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट देख ली, लिंक देख लीजिए। अब मैं समझाता हूं, इन लंपट पत्रकार लोग दरअसल धर्म को जब तक अफीम की तरह देखेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि भारत एक ऐसा कम से कम देश नहीं है। भारत देश में कई तरह से कारोबार होता है, यहां शुभ अशुभ बहुत नजरियों में देखा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे आ रहा हूं, आप पितृपक्ष के टाइम में जब भी देखेंगे भारत के रोजगार का इतिहास टेक्सटाइल में, तो इकोनॉमिक स्लोडाउन पितृपक्ष के टाइम में आता ही है, यानी जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना ऐसा होता है जो टेक्सटाइल में आर्थिक मंदी का दौर 2019 में नहीं, 18 में नहीं, ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि सब थोड़ी ना आपके प्रोपोगेंडा की तरह मानते हैं कि धर्म जो है अफीम हो गया है। आप समझ नहीं सकते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। राखी के बाद पिकअप करता है तीज, उसके बाद जब जैसे जैसे पर्व त्योहार आते हैं और शादियां आती हैं, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ेगी तो जो आपकी सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी, रोजगार भी बढ़ जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि भारत के कल्चर का हिस्सा है। आपको नहीं बुझाएगा, काहे नहीं बुझाएगा, काहे कि आप कभी क्रिसमस से या बकरीद से बाहर निकलिएगा ईद से, तब ना आपको पता रहेगा, तब ना कि दिवाली और अक्षय तृतीया में क्यों खरीदारी बढ़ जाती है। आपको समझ में आएगा कि बिहार जैसे स्टेट में क्यों छठ में नए कपड़ों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरा भारत से कपड़ा आता है बिहार में। आपको नहीं समझ में आएगा, समझने के लिए आपको कभी बिताना पड़ेगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे करेंगे, ये आजकल तो एक स्टूडियो में जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर बुला लिए जाते हैं और वो एसोसिएट प्रोफेसर लच्छेदार भाषण देंगे और बताएंगे कि भारत का इकोनॉमिक स्लोडाउन कहाँ जा रहा है। वैसे निर्मला सीतारमण जी आई, उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम बढ़ाए और बताए, इमीडिएट बैंकों को 70,000 करोड़ का गिफ्ट भी दे दिया। लेकिन समस्या समझिए, इससे रवीश कुमार जैसों की तकलीफ कम होगी या द वायर वालों की या द प्रिंट वालों की? नहीं होगी, क्योंकि कोई भी वो कदम जो मोदी सरकार देश हित में उठाए, इनका काम है कि उसमें निगेटिव चीजें खोज लेना। अब अमेरिका में, चीन में भी इकोनॉमिक स्लोडाउन आया हुआ है इस वक्त। आप ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार हो और भारत उस चीज से बच जाएगा? ऐसा होता है जी? नहीं होता है। लेकिन एनडीटीवी के दफ्तर में, द प्रिंट के दफ्तर में, द वायर के दफ्तर में स्पेशली हो जाता है, बीबीसी के भी दफ्तर में।
चीन एक कम्युनिस्ट देश होने के बावजूद कैपिटलिस्ट देश है, इस बात को समझिए। बाकी वामपंथी देशों का हाल आपको देखना है तो आपको वेनेजुएला का उदाहरण लेना ही होगा। ऐसे कैसे होगा कि आप वहां का उदाहरण नहीं लेंगे? मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्थ कोरिया की बात करता हूं। वहां पे डिक्टेटरशिप का माहौल है और वहां पे कम्युनिस्ट शासन है। वहां भी आप देख लीजिए कि कितना जबरदस्त आर्थिक तेजी आया हुआ है, आप तो देख ही रहे होंगे। तो ये हालत है। ऐसे में एक डेमोक्रेटिक मुल्क का, जिसका फेडरल एक स्ट्रक्चर है, उसमें ये ज्ञान देने आ जाते हैं कि आर्थिक मंदी क्यों आई है। ये कमाल की बात है। इस देश के लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं जो आईटी रिटर्न देते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने आईटी रिटर्न भरा था, लेकिन इस देश में लगभग 20 करोड़ से ऊपर कार बिक चुकी हैं। तो कितना पॉपुलेशन है इस देश का जो कार वाकई अफोर्ड कर सकता है? ऐसे माहौल में जब ओला और उबर जैसी कंपनियां आकर के आपको समय समय पे वो ऑप्शन दे देती हैं कि कहीं छोटे डिस्टेंस पे जाना हो तो कार खरीदने की अब जरूरत नहीं, कॉल कीजिए, कार आपके दरवाजे पे। तो आर्थिक मंदी के कई कारण होते हैं, आपको उस कारणों पे भी ध्यान देना होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक रीच को पहुंच चुकी है जहां पे उसको पहुंचना चाहिए था। अब यहां से कोई इनोवेशन जब तक नहीं आएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी नहीं आएगी। वो इनोवेशन क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार के लिए पिछले ही बजट में इसी मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। तो आप बताइएगा, ये लंपट जो पत्रकार हैं, इन चीजों को कंप्लीट होने में, अकम्प्लीश होने में टाइम फ्रेम का कुछ देंगे या नहीं देंगे, या बस चिल्लाने लगेंगे हाय हसन हाय हुसैन? अगर इतने बड़े अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह और रघुराम राजन टाइप के लोग, तो 2008 में जब आर्थिक मंदी का दौर भारत में आया था, आपको याद होगा, सत्यम कंप्यूटर्स के डूबने के बाद, तो ये क्या कर रहे थे? भजिया ही तो तल रहे थे उस टाइम। मनमोहन सिंह आकर के यही बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत की वित्तीय स्थिति, फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहां पे आर्थिक मंदी बहुत असर नहीं करेगा। और हुआ भी वही, भारत को रिकवर होने में मात्र 2 साल का टाइम लगा। क्यों? क्योंकि भाई छठ त्योहार आएगा, कपड़ा खरीदेंगे। और उसके लिए क्यों पैसे आ जाते हैं? क्योंकि यहां पे फसल जब पकती है उसके बाद ही तो पैसे आएंगे किसानों के पास। जिस देश का 70% क्लास आज भी कृषि पे डिपेंडेंट हो, उसको आप ये टाइम नहीं देखेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर वाला देखना पड़ेगा आपको। लंपट पत्रकारों, अपनी पत्रकारिता में थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि इस देश के किसानों की आमदनी का एकमात्र स्रोत वो फसल ही है। वो बाजार में बेच लेते हैं पैक्स के थ्रू या ई मीडिया, नया ऑप्शन आ गया या जो भी, तभी उनके पास पैसे आते हैं। इसमें भी कई फैक्टर्स कभी कभार आ जाते हैं। पिछले साल सूखा बहुत ज्यादा था, उसका भी एक असर था, लेकिन इस बार ठीक ठाक कई जगह बारिश हुई है, या कहीं कहीं अगर नहीं भी हुई है तो भी फसल पकने के बाद किसानों के हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं। दूसरी बात, इस बार मोदी सरकार ने हर किसान को 6-6 हजार रुपए जो देने का फैसला किया है 3 बार में, यह भी किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ है। तो आपको यह समझना होगा कि एक टाइम फ्रेम में भारत में इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा ही आएगा। जय श्री राम। नहीं बुझाया? एक काम कीजिए, चिलम लीजिए, गांजा लीजिए, दबा के फूकिए, कहे कि आपको बुझाएगा भी नहीं। जिनको बुझा गया है वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। बिहारी है ना जी, नहीं बुझाएगा तुमको। और जो सही में बिहारी दिमाग से हैं उनको बुझा जाएगा। बाकी लंपट पत्रकारों को पत्रकारिता थोड़ी ना करनी, एजेंडा चलाना, एजेंडा।